राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट आमने सामने हैं। गहलोत पायलट को साइडलाइन करने की कोशिश में है, जबकि पायलट गहलोत को ठिकाने लगाना चाहते हैं। ये खेल पिछले कई महीनों से चल रहा है, हालांकि कामयाबी अभी किसी को भी नहीं मिली है। दूसरी तरफ इसका असर राजस्थान कांग्रेस में भी साफ तौर पर देखने को मिलता है। पार्टी दो खेमों में बटी बटी सी दिखाई देती है। वहीं अब राजस्थान कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दरअसल फलोदी में गहलोत की मौजूदगी में कांग्रेस को एक बड़ा झटका सहन करना पड़ा है। यहां कांग्रेस खेमे से निकलकर बड़ी संख्या में युवाओं का एक दल बीजेपी में शामिल हो गया। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत सांसद निर्वाचित होने के बाद पहली बार फलोदी पहुंचे। उनकी मौजूदगी में कांग्रेस के युवा नेता महेंद्र व्यास अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। व्यास के बीजेपी में शामिल होने को पार्टी की मजबूती के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले महेंद्र व्यास के बेटे शिवम व्यास भी अपनी टीम के साथ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जिन्हें पार्टी ने युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद का कार्यभार सौंपा है। हालांकि महेंद्र व्यास के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन राजस्थान कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका है और इसका असर आने वाले चुनाव में भी देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।